मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देवी, अभी तक आप मेरी शिष्या नहीं बनी हैं, इसलिए अभी हम आपको नृत्य नहीं सिखा सकते। लगता है हम कैलाश के क्षेत्र में आ गए। रावण है हम। देवी, आज हम आपको स्त्रियों के उन सभी रूपों के बारे में बताएंगे जिनका वर्णन भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया है। आज आप सीखेंगी कि एक नायिका के संसार में कितने रूप होते हैं, उन्हें अभिनय और नृत्य के द्वारा आप कैसे प्रदर्शित कर सकती हैं। नारद जी, अब तो आप नेत्र बंद कर लीजिए, क्योंकि प्रभु स्त्रियों के रूपों का वर्णन करने वाले हैं और आप तो सदैव स्त्रियों से बचकर रहते हैं। देवी, मैं तो प्रभु की लीला का आनंद ले रहा हूं, स्त्रियों के रूप से हमें क्या लेना देना। वो देखो प्रभु कितनी सुंदरता से उसे सिखा रहे हैं। नारायण नारायण। देवी, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नायिका के 8 भेदों का प्रमुख रूप से वर्णन किया है। आप ध्यान से देखिए और नायिका के इन भेदों को अपने अंतर्मन में उतारने का प्रयास करिए। अवश्य गुरुवर, मैं प्रयास करूंगी। सबसे पहला भेद है वासिक सज्जन नायिका। ये नायिका अपने उस प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही है जो कहीं लंबी यात्रा से लौट कर आने वाला है। अब नृत्य में ऐसी नायिका का अभिनय कैसे करना है, ये ध्यान से देखिए। ताल आरंभ कीजिए गंधर्व कुमारो। शंभु, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। दूसरी नायिका है विराहोत कंठी का नायिका। उसका प्रेमी लौट कर नहीं आया है,
और नायिका विराह की अग्नि में जल रही है। इसमें कैसे भाव और कैसी मुद्राएं होनी चाहिए? शंभो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तीसरी है अभिसारिका नायिका। ये नायिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए सबसे छुपकर जा रही है। आंधी, वर्षा, सर्प और हिंसक पशु आदि से भी इसे भय नहीं है, मात्र प्रेमी से मिलन की आस लगी है। ऐसी नायिका का चरित्र निभाते हुए आंखों से चंचलता, अधरों पर मुस्कान और हाव भाव में नटखटपन होना चाहिए। पद्मिनी चित्रिणी हस्तिनी और शंखिनी सद्मिनी मैत्राणी कलहकारिणी आतुरा डाकिनी गृहस्थिनी हंसिनी बहुवंशिनी भयातुरा कृपणी और घातिनी प्रेमणी कृशतन्वी नारकी स्वर्गिनी है। 21 जातियां नारी की, नारी भेद बताया मैंने, सुन ले शीशा घृता Namaste।
मैंने प्राण प्राण से आपकी पूजा आराधना की। पहले बाली और देवताओं के छल के कारण मेरी आराधना भंग हुई, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस पूजा का फल अभी भी नष्ट नहीं हुआ है। अब हम आपकी आराधना कर आपको लंका अवश्य लेकर जाएंगे महादेव, और यदि ऐसा ना हुआ तो हम लंकेश्वर रावण आप ही के समक्ष इसी कैलाश पर अपने प्राण त्याग देंगे। करण श्रृंगार शार वीर विभत्स रौद्र और आश्चर्य रस मुद्राए है नवरस 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 नवरस। हो गुरु है शिव शंभो शिष्या को नचाए रे, मारुति है शिव शंभो हो नित्य सिखाए रे। ताथै ताथै थै 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 नित्य सिखाए रे, नृत्य के बोल पे नाचे नाच नचाए रे। हो गुरु है शिव शंभो उपवन उपवन बेल लताए उपवन उपवन बेल लताए कुसुम कुसुम जैसे मुस्काए कुसुम कुसुम जैसे मुस्काए। हो गुरु जी तो फल खाए रे शिष्या को नचाए रे, मारुति फल खाए नर्त की नाचे रे। संगीत का ज्ञान तो अथाह है, जितना इसमें उतरो उतनी और गहराई का पता चलता है। फिर भी देवी आपको अभी नृत्य का जितना ज्ञान चाहिए था वो पूर्ण हो गया। आगे आप जितना अभ्यास करेंगी और हर चरित्र को अपने अंतर्मन तक उतार लेंगी उतना ही आपका नृत्य और निखर आएगा। गुरुवर, आपने मुझ पर कृपा करके मेरे जीवन भर की साध को पूर्ण कर दिया है, आपको कोटि कोटि प्रणाम। नारायण नारायण, आहा, कितना सुंदर वर्णन किया है प्रभु ने नारियों का। प्रभु आपको नमन है मेरा। वाह प्रभु वाह, आपको देखकर आज हमें जो नृत्य की शिक्षा मिली है वो अनुपम है।
हम धन्य हो गए हनुमान जी, आपको शत शत नमन प्रभु, शत शत नमन। बोलो जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे आराध्य महादेव, मेरी आराधना प्रारंभ होती है, अब मैं आपको प्रसन्न करके ही रहूंगा, और जब तक आप मुझे दर्शन देकर मेरे साथ लंका चलने का वचन नहीं देते, तब तक मेरी आराधना अखंडित रहेगी। आपको मेरे साथ लंका चलना ही होगा, आपको प्रसन्न होना ही होगा, आपको दर्शन देना ही होगा महादेव। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नारायण नारायण, आश्चर्य, घोर आश्चर्य, एकाएक रावण कैलाश पर, और उसने आराधना भी आरंभ कर दी और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। नारायण नारायण, किंतु ये कैसे संभव हुआ? समझ गया मैं। रावण की माँ कैकसी और रावण ने मिलकर ये माया रची है, जिससे रावण यहां तक आ पहुंचा और किसी को कुछ ज्ञात भी नहीं हुआ। किंतु यदि रावण यहां है तो इसने लंका को किसके भरोसे छोड़ा है? आज अभी तक उन्होंने पूजा आरंभ नहीं की, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अवश्य ही कोई विशेष बात है, हमें इसका पता लगाना होगा। एक रावण लंका में और दूसरा कैलाश में, अवश्य ही ये माया रावण की माँ कैकसी की रची है। उसने अपनी तंत्र विद्या से रावण की प्रतिमूर्ति बनाई है